पहले बल्ले से आया था शहबाज अहमद का तूफान, बाद में बॉलिंग से भी दिखाया शहबाज अहमद ने कमाल। मेवाती क्रिकेटर शहबाज अहमद ने अपने दम पर एक बार फिर बंगाल टीम को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। अच्छे प्रदर्शन के कारण बंगाल यहां तक पहुंची है इस मैच में मध्य प्रदेश के खिलाफ। दोस्तों आपके लिए बता दे, जिस काम के लिए जाने जाते हैं शहबाज अहमद बखूबी उसी अंजाम को दे रहे हैं। शहबाज अहमद रणजी ट्रॉफी 2022-23 में एक बार फिर धमाल मचा दिया है मेवाती क्रिकेटर शहबाज अहमद ने मध्य प्रदेश के खिलाफ। पहले बल्लेबाजी करते हुए बंगाल टीम ने, यानी जिस टीम के लिए शहबाज अहमद खेलते हैं रणजी ट्रॉफी, उस टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 310 रन बनाए मध्य प्रदेश के खिलाफ। जिसमें बात करें शहबाज अहमद की, तो शहबाज अहमद ने शानदार पारी खेली 49 रनों की। जी हाँ, 49 रन बनाकर आउट हो गए मिस्टर मेवाती शहबाज अहमद। 49 रनों की पारी में शहबाज अहमद ने 5 ताबड़तोड़ चौके भी लगाए। अगर बॉलिंग की बात करें तो मध्य प्रदेश 130 रनों पर ऑल आउट हो गई। बंगाल के सामने कोई भी बल्लेबाज नहीं टिक पाया मध्य प्रदेश का। अकेले मिस्टर मेवाती शहबाज अहमद ने आधी टीम को पवेलियन का रास्ता दिखाया। शहबाज अहमद ने 13 ओवर डाले, 13 ओवर में 2 मेडिन, 32 रन देकर 5 विकेट निकाले शहबाज अहमद ने। तो दोस्तों 5 विकेट इस मैच में, 49 रन अब तक बना दिए हैं शहबाज अहमद ने। तो एक बात देखी जाए तो शहबाज अहमद के ही नाम ये मैच चल रहा है, यानी एक तरफ मध्य प्रदेश तो दूसरी तरफ शहबाज अहमद, या फिर यू कहें एक मेवाती सब पर भारी। दोस्तों आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल से, आप देख रहे हैं मेवाती क्रिकेट YouTube चैनल। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको शहबाज अहमद की वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके।